मैं उन सब यंगस्टर्स को, यूथ को ये कहना चाहूँगा कि एक गलत फहमी जो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको मेकर्स का ज़रूरत है। जितना आपको मेकर्स का ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेकर्स का आपका ज़रूरत है। हमारा पहला हिट शो जो था रंग बदलती ओढ़नी था, जिसमें हमने करण टैकर को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी काफ़ी पॉपुलर था। उसमें हमने शंकर एहसान लॉय से गाना, 3-4 गाना उन्होंने बनाया था हमारे लिए, शंकर जी ने गाना भी गाया था उसमें। सी एक्टिंग जो है, अभी पहले सेट पीसेस होते थे, लेकिन अभी एनीबडी हु कम्स, हर कोई अपना कुछ अपनापन लेके आ सकता है। मैं बढ़िया हूँ एंड ग्लिट्स विजन के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। अभी आने वाले गणपति के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आपकी नई सीरीज आ रही है YouTube पे, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप ये सीरीज क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या मकसद है सीरीज का? सिर्फ टेलीविजन के लिए शो तो काफ़ी सालों से बना रहे हैं, करीबन 3 दशक हो गया मैं जुड़ा हुआ हूँ टेलीविजन के साथ एंड बहुत सारी कहानियाँ हम लेके आए हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो अभी धीरे धीरे एक युवा कंट्री होके, एक यंग कंट्री होके इमर्ज हो रहा है, करीबन 700 मिलियन, 70 करोड़ यंग ऑडियंस आपके पास हैं, और ये ऑडियंस आपके पास यूट्यूब में अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा कुछ हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें हम यंग ऑडियंस के लिए कहानी कह पाएँ, उनके इश्यूज़ को सामने लेके आएँ इन एंटरटेनिंग वे एंड एंगेजिंग वे। तो तभी हमने फ्रेशमैन का शुरुआत किया है, ये औकात से ज़्यादा इसमें पहला शो है। बहुत सारे न्यूकमर्स हैं जिन्हें आप चांस दे रहे हैं आपके वेब सीरीज के थ्रू या फिर आपके शोज के थ्रू, कहीं ना कहीं एक ये मोटिवेशन होता है जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है। आप ऐसे यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि हमें यहाँ जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं उन सब यंगस्टर्स को, यूथ को ये कहना चाहूँगा कि एक गलत फहमी जो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको मेकर्स का ज़रूरत है। जितना आपको मेकर्स का ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेकर्स का आपका ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आपको खुद को अवेयर करना है, तैयार तो करना ही है, खुद को तैयारी के साथ अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कैसे आप सही जगह पर पहुँचे, और अपने आप को पहले कैसे आप जज करें, क्योंकि हर कोई हीरो हीरोइन नहीं बन सकता है। अगर हर कोई हीरो हीरोइन बनेंगे तो कैरेक्टर आर्टिस्ट कौन बनेंगे? और बहुत सारे समय ऐसे आता है जहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर होते हैं इवन हीरो हीरोइन से भी। सो पहले आपने आपका जो स्ट्रेंथ है उसको इवैल्यूएट करिए एंड अवेयरनेस के साथ अप्रोच करिए। जिस तरह से कंटेंट अभी बन रहा है, चाहे टीवी में हो, OTT में हो, फिल्म्स में हो, यूट्यूब के लिए हो, अभी और अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, शॉर्ट्स बन रहे हैं, टेलीकॉम कॉन्टेंट बन रहे हैं, बहुत सारा फॉर्मेट्स नया इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और ये इनोवेट होता जाएगा। जितना होता रहेगा उसके हिसाब से ऑडियंस को उसका डिमांड भी बढ़ता जाएगा और हमें उतना कैरेक्टर्स और उतना एक्टर्स लगेंगे। सो आई थिंक हर किसी का टाइम आएगा, लेकिन आपको टाइम के पास भी पहुंचना पड़ेगा। सर, जैसे कि हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा बराबर होता है, आपके लिए भी आपके सारे शोज बराबर होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका पसंदीदा शो कौन सा था जो आपने प्रोड्यूस किया? सी, आपने ही जवाब दे दिया है। सी, कोई भी कुछ शोज हैं जो दिल के बहुत करीब हैं। हमारा पहला हिट शो जो था रंग बदलती ओढ़नी था, जिसमें हमने करण टैकर को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी काफ़ी पॉपुलर था। उसमें हमने शंकर एहसान लॉय से गाना, 3-4 गाना उन्होंने बनाया था हमारे लिए, शंकर जी ने गाना भी गाया था उसमें। देन उसके बाद वीरा था, एक वीर की अरदास वीरा, जो एक भाई बहन के रिश्ते के ऊपर था, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था एंड वो भी चला था स्टार प्लस में, करीब 3 साल तक चला था। फिर हमने बनाया था साडा हक चैनल वी के लिए, वो भी आई थिंक यूथ स्पेस में काफ़ी पॉपुलर रहा है एंड ऑडियंस को अभी भी याद है, संयुक्ता अग्रवाल और रणधीर सिंह शेखावत। एंड देन कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जिसका हमने 3 सीजन बनाया सोनी के लिए, वो भी लोगों को पसंद आया। शाहिद शेख, उसमें हमने एरिका फर्नांडिस को इंट्रोड्यूस किया था। देन इश्क में मर जाऊँ, पहला सीजन हमने बनाया था अर्जुन बिजलानी के साथ, उसमें अलीशा पनूर को इंट्रोड्यूस किया था हमने एज ए मेन लीड। देन इसके मजा सीजन 2 राहुल, हेली, विशाल। देन डियर इश्क हमने किया हॉटस्टार के लिए, वो भी काफ़ी ऑडियंस को पसंद आया, काफ़ी पॉपुलर रहा। तू जख्म है MX प्लेयर, उसका 2 सीजन हमने बनाया था। तो या ये कुछ शोज हैं जो दिल के काफ़ी करीब हैं। एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मुझे दो तीन का मौका दीजिए। चलो
वीरा साढ़ा कन कुछ रंग पैर कैसे भी। ओके, अगर हम बात करें एक्टिंग के बारे में तो पसंदीदा एक्टर कौन हो सकता है आपका, एज अ नॉट एज अ प्रोड्यूसर बट एज अ ऑडियंस। आप टेलीविजन के बारे में बात करें कि आई थिंक ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक बार याद करके बोलना मुश्किल है बिकॉज उनमें से बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन अभी जो दिमाग में आ रहे हैं उनमें मुझे लग रहा है कि शिवाजी साठम फैंटास्टिक एक्टर। आई कीप टेलिंग टू शिवाजी सर, आप इतना साल काम कर चुके हैं लेकिन आप खुद को शायद 100% एक्सप्लोर नहीं किए हैं। आदित्य भी बहुत अच्छा एक्टर है, आदित्य श्रीवास्तव। शाहिर शेख, अगेन जितना कंट्रोल एक्टिंग वो करता है। मोहित रैना, सुप्रिया पिलगांवकर, व्हाट अ प्लेजर वर्किंग विथ हर। सुप्रिया जी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस में है। सो या आई थिंक सिर्फ जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है एक रिश्ता बना हुआ है, एंड आई थिंक ये बहुत अनफेयर होगा अगर मैं ये कहूँ कि यार एक या दो एक्टर हैं। 30 साल के करियर में मैंने कम से कम 1000 एक्टर्स के साथ काम किया होगा, तो उनमें से 150-200 एक्टर तो बहुत अच्छे ही होंगे। सर, आज के टाइम पे टेलीविजन, ओटीटी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे ना एक्टर्स के लिए बहुत इजी हो गया है काम मिलना, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि बस टीवी टीवी था, बट नाउ ओटीटी एंड ऑल। तो ये चीज़ आपको कितनी अच्छी लग रही है, बिकॉज यू नो नए नए एक्टर्स आते हैं, उन्हें नया नया मौका मिल रहा है। सी, एक्टिंग जो है अभी पहले सेट पीसेस होते थे, लेकिन अभी एनीबडी हु कम्स, हर कोई अपना कुछ अपनापन लेके आ सकता है, एंड ये बहुत अच्छा है कि आपको लोग बोलते हैं कि मेरा एक्टिंग मुझे काम नहीं मिल रहा है। आई थिंक आपको पहले ना कुछ शूटिंग अपना फ़ोन में कर लीजिए, उसको डाल दीजिए, यूट्यूब में डाल दीजिए, फेसबुक में डाल दीजिए, इंस्टाग्राम में डाल दीजिए। यू शुड हैव अ स्टोरी, आप दोस्तों के साथ मिलकर आप एक छोटा यूनिट बना लीजिए, कोई डायरेक्शन में इंटरेस्ट होगा, कोई अच्छा फोटो खींचता होगा फ़ोन से। आई थिंक हर किसी को काम मिल सकता है। मुझे लग रहा है काम ज़्यादा है, काम करने वाले लोग कम हैं, इसीलिए आप देखें कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है। सो इसका मतलब है कि काम है बहुत, तो कोशिश आप करिए सही डायरेक्शन में जाइए, तो उसी से ही आपको आगे मिलेगा। ओके, लास्टली ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपने नई सीरीज को लेकर। सी, ये जो फ्रेशमेंट चैनल हमने किया है आप लोगों के लिए किया है, ये एक कोई बिजनेस वेंचर नहीं कि मुझे इस ये शो करने से हमें इतना पैसा मिलेगा। हम पैसा कमाने वाले हैं, हमें पता है, लेकिन हम वो कहानी लेके आना चाहते हैं, वो कहानी कहना चाहते हैं जो आपको पसंद आए, जो आपको और कहीं ना मिले। एंड औकात से ज़्यादा एक हमारा पहला शो है, उसमें हम बहुत बहुत मेहनत करके ही कहानी बनाए हैं, कैरेक्टर्स बनाए हैं, किरदार बनाए हैं। इट्स फ्री फॉर यू टू वॉच, प्लीज़ कम टू फ्रेशमेंट यूट्यूब चैनल एंड वॉच औकात से ज़्यादा। हमें अप्रिशिएट करिए, हमारे कंटेंट का अप्रिशिएट करिए अगर आपको पसंद आया तो, एंड हम ऐसे बनाते जाएंगे एंड आपका डिमांड के हिसाब से भी हम बनाएंगे। हमें लिखिए आपको ऐसे कुछ चीज़ हमें हमारे शो में लाना है, हम कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें, और आप में से भी कोई आना चाहे वो भी हम देखेंगे कि किस किस को हम ले सकते हैं अपने शो में, एटलीस्ट कोई सीन के लिए कभी भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। माय नेम इज यश पटनायक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA।